माता जी मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि रक्षाबंधन का सिग्निफिकेंस क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और क्यों एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। कि ये प्रथा शुरू हुई जब कृष्ण भगवान को एक उंगली पे जब लगा था तो द्रौपदी ने उनकी साड़ी में से हिस्सा थोड़ा फाड़ के उनकी उंगली में लगाया था, और जब द्रौपदी का तीरहरण हो रहा था उस वक्त कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की थी, प्रोटेक्शन की थी, वही टुकड़े का वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने ये एज ए ब्रदर उनको प्रोटेक्ट किया कि भाई सिस्टर ने मुझे मेरे मुझे जब ज़रूरत थी तब उन्होंने ये कपड़ा बांधा था तो उसके सामने मैं इनको प्रोटेक्ट करूँगा। तो इसीलिए ये प्रथा वहाँ से शुरू हुई। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो यम है, जो गॉड ऑफ डेथ जो कहते हैं, उनकी सिस्टर यमुना नदी जो बोलते हैं, वो उनको यम उनको विजिट करने गए तो यमुना नदी बहुत खुश हो गई और ये खुशी में उन्होंने राखी बांधी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये भी है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को रक्षाबंधन के हिसाब से राखी भेजी थी कि आप मेरी रक्षा करो, एज ए ब्रदर एज ए सिस्टर मैं आपको राखी भेजती हूँ, मुझे कोई अटैक करे, कोई बहादुर शाह करके कोई लीडर था उस टाइम पे, वो अटैक से आप मुझे बचाओ, उसके लिए उन्होंने भी राखी भेजी थी। तो तब से ये प्रथा शुरू हुई है। श्रावण के महीने में पूनम के दिन ये होती है रक्षाबंधन। बहन अपने भाई को राखी बांधती है उनकी लॉन्ग लाइफ, हेल्थ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और भाई उनकी रक्षा करने के लिए पूरी लाइफ टाइम उनकी रक्षा करेंगे ऐसी कसम लेते हैं मन में। तो ऐसी आजकल आप राखी की बहुत ही डिमांड है, बहुत सारी हम लोग ने राखी बनाई हुई है। तो आप देखो पर्टिकुलर ये एक राखी है, ट्रिपल प्रोटेक्शन राखी बोलते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन है ब्लैक ऑब्सीडियन, टाइगर आई और हेमेटाइट का, ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है और बच्चों को ईवी लाइक से भी बचाता है। तो ये आप बाय कर सकते हो हमारे पास से, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कभी भी हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, और जो कोई भी पूछना है हमको हम कभी भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।